नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान की कल्चर में हम पढ़ रहे थे, राजस्थान की जनजातियों के बारे में चर्चाएं कर रहे थे। राजस्थान की एक जनजाति के बारे में जो राजस्थान की सबसे बड़ी और शिक्षित और संपन्न जनजाति है उसके बारे में हमने चर्चाएं कर ली है। कौन सी जनजाति है? मीणा जनजाति। मीणा जनजाति के बारे में चर्चाएं कर ली है। आज हम राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जो जनजाति है उसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो लिखो दोस्तों, भील जनजाति। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। भील जनजाति, भील जनजाति के बारे में आज हम चर्चाएं करेंगे। भील जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहले हमने जैसे मीणा जनजाति का शाब्दिक अर्थ पढ़ा था, मीन या मछली से लिया गया है, उसी प्रकार भील जनजाति का शाब्दिक अर्थ है तीर कमान या भील। शाब्दिक अर्थ आपसे क्या पूछा जाए? शाब्दिक अर्थ क्या है? तीर कमान और तीर कमान को पोस्टर में लिख लो बील है। ये मीणा जनजाति का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है दोस्तों, आगे और चर्चा करते हैं। इसकी उत्पत्ति किससे? उत्पत्ति कर्नल टोड के अनुसार इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? वन पुत्र की संज्ञा दी है। कर्नल टोड के अनुसार इसकी उत्पत्ति आपसे पूछ ली जाए, इसकी उत्पत्ति के बारे में चर्चाएं करें कि जो मीणा जनजाति की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो कर्नल टोड के अनुसार लिखो दोस्तों, कर्नल टोड को जानते हो? कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा के नाम से इसे जाना जाता है। राजस्थान के इतिहास के पितामह कहे जाते हैं कर्नल जेम्स टोड। तो इसकी उत्पत्ति किससे बताई है? वन पुत्र की संज्ञा किसने दी है दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड ने जो मीणा जनजाति है उसको किसकी संज्ञा, भील जो जनजाति है उसको किसकी संज्ञा दी है? वन पुत्र की संज्ञा दी है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग कहा है। थॉम्स ने इसे क्या कहा है? गुजराती कहा है। थॉम्स ने क्या कहा है? इसे गुजराती कहा है। गुजराती से क्या हुई है? जो मीणा जनजाति की उत्पत्ति हुई है गुजराती से। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। जैसे रिजले व कुक ने इसकी उत्पत्ति किससे मानी है? द्रविड़ों से इसकी उत्पत्ति मानी है। तो रिजले एवं कुक ने भीलों की उत्पत्ति किससे मानी है? द्रविड़ों से इसकी उत्पत्ति मानी है। जो द्रविड़ लोग होते हैं द्रविड़ों से इसकी उत्पत्ति मानी है। तो ये विभिन्न विद्वानों के नाम लेकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भील लोगों की उत्पत्ति कुक के अनुसार किससे भील लोगों की उत्पत्ति हुई है, या भीलों को वन पुत्र किसने बताया है? कर्नल जेम्स टोड ने बताया। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को क्या कहा है? वन पुत्र की संज्ञा दी है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। देखो दोस्तों, अब हम एक एक पॉइंट के बारे में लिखेंगे। यह राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति मानी जाती है। प्राचीनतम जनजाति मानी जाती है। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो आपसे पूछ लिया जाए तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील जनजाति। आगे बात करते हैं। यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो जो भील जो जनजाति है यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। आपको इसका क्षेत्र पूछ लिया जाए तो केस कहां पाई जाती है? यह जनजाति बांसवाड़ा
बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम बरे, चित्तौड़गढ़। आज कौन कौन से हो गए? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा में और सिरोही में। भीलवाड़ा, शाहपुरा और सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम चर्चा करते हैं किस जनजाति के बारे में, भील जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार आप इसको ही देख लो, फिर इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चाएं करेंगे। जैसे हमने मीणा जनजाति की विशेषताओं के बारे में चर्चाएं की थी, उसी प्रकार भील जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या है? तीर कमान या भील शब्द से लिया गया है। थॉम्स ने इसे क्या बताया है? गुजराती बताया है। इसकी उत्पत्ति कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार वन पुत्र की संज्ञा दी गई है कि ने भीलों को रीजले व कुक ने भीलों को क्या बताया है? द्रविड़ों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, यह राज्य की क्या है? सबसे प्राचीनतम जनजाति है। तो आपसे पूछ लिया जाए राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो मीणा मत कर देना, क्योंकि आपने फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है? मीणा लिखा है, इसलिए आप मीणा कर सकते हो। परंतु सबसे प्राचीन जनजाति पूछी जाए तो कौन सी जनजाति है? भील जनजाति है, राजस्थान की है। दूसरी सबसे बड़ी क्या मानी जाती है? जनजाति मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसका आपको क्षेत्र पूछ लिया जाए तो यह सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? मेवाड़ जो क्षेत्र है, या मेवाड़ क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो वो किस जनजाति के लिए है? भील जनजाति के लिए है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा व सिरोही क्षेत्र में जो भील जो जनजाति है ये सर्वाधिक पाई जाती है। एक बार फिर से देख लो क्षेत्र दोस्तों, नीचे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, भीलवाड़ा, शाहपुरा व सिरोही क्षेत्र में सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील जनजाति पाई जाती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। दोस्तों आगे हम बात करते हैं भील जनजाति की किसके बारे में? विशेषताओं के बारे में। किसके बारे में? विशेषताओं के बारे में। विशेषता, अब हम बात करते हैं मीणा जो जनजाति के घर होते हैं उसके घरों को क्या कहते हैं, तो घरों के बारे में करते हैं। घरों को क्या कहते हैं? कू या टापरा। तो भील जनजाति के घरों को, भीलों के घरों को, घरों को क्या कहते हैं? कू या टापरा। कू या क्या? टापरा। भीलों के घरों को क्या कहते हैं? कू या टापरा। अब बात करते हैं इसके छोटे घरों को क्या कहते हैं, जो छोटे घर होते हैं, छोटे घरों को क्या कहा जाता है? छोटे घरों को फला कहते हैं। ये लोग अपने घरों को क्या कहते हैं? कू या टापरा। या छोटे घरों को आपसे पूछ लिया जाए तो छोटे घरों को क्या कहते हैं? छोटे घरों के समूह को जो समूह होता है, समूह को क्या कहते हैं? समूह कहते हैं पारलय। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बड़े गांव को क्या कहते हैं? बड़े गांव को पाल कहते हैं दोस्तों। छोटे घरों को कहते हैं फला। सॉरी दोस्तों, छोटे घरों को कहते हैं क्या? फला, फैला। और बड़े गांव को क्या कहते हैं? आगे पूछ लिया जाए बड़े गांव को कहते हैं पाल। तो भील जनजाति के लोग घरों को क्या कहते हैं? कू या टापरा। वह घरों के समूहों को कहते हैं फला। और बड़े, जो बड़ा गांव होता है, बड़े गांव को क्या कहते हैं? बड़े गांव को कहते हैं पाल। ठीक है, आगे बात करते हैं भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? पल्लवी कहते हैं। और गांव के समूह को, मुखिया को पूछ लिया जाए तो क्या कहते हैं? गोमती कहते हैं। तो गांव, भील जनजाति में गांव के मुखिया को लिखो दोस्तों, भील जनजाति में गांव के मुखिया को गांव के मुखिया को कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों? जैसे हमने पढ़ा था मीणा जनजाति में
मुखिया को क्या कहते हैं, पटेल कहते हैं, उसी प्रकार इसमें जनजाति को क्या, गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, पल्लवी कहते हैं, क्या कहते हैं, पालवी, पालवी, ये नाम क्या है, गांव के मुखिया को ये क्या कहते हैं, पालवी कहते हैं। और आगे हम चर्चा करते हैं कि गांव के समूह के मुखिया, लिखो दोस्तों, गांव के समूह के मुखिया को, गांव के समूह के मुखिया को, समूह के मुखिया, गांव के समूह के मुखिया क्या कहलाते हैं, आपसे पूछ लिए गए, भील जनजाति में गांव के समूह के मुखिया को कहते हैं गोमेती, क्या कहते हैं, गोमेती, गोमती, ठीक है दोस्तों, गोमती। आगे और हम मीना भील जनजाति के बारे में चर्चा करते हैं कि भीलों के लोक देवता कौन से हैं या लोक देवी कौन सी है, तो भीलों की लोक देवी है भराड़ी, और इसकी पूजा कब की जाती है, तो विवाह के अवसर पर इसका क्या किया जाता है, चित्रण किया जाता है। तो लिखो दोस्तों, भीलों की देवी, भीलों की देवी, भीलों की देवी क्या कहते हैं, भीलों की देवी किसे कहते हैं, भराड़ी माता को, भराड़ी माता भीलों की क्या है, देवी है, और इसका विवाह के अवसर पर चित्रण किया जाता है। लिखो दोस्तों कोष्ठक में, विवाह के अवसर पर, अवसर पर चित्रण किया जाता है, चित्रण किया जाता है। दीवार के ऊपर किसका चित्रण किया जाता है, भराड़ी जो लोग देवी है, इसकी इनकी देवी है भराड़ी माता, उसका विवाह के अवसर पर क्या किया जाता है, दीवार पर चित्रण किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं कुल देवता, कुल देवता के बारे में बात करते हैं कि कुल देवता कौन है, तो टोटम क्या है इसके, कुल देवता है, कुल देवता, कुल देवता की बात करें तो कौन है, टोटम, टोटम क्या है, भीलों के कुल देवता माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं रणघोष को क्या कहते हैं, भीलों का जो रणघोष होता है, भीलों का रणघोष, रणघोष को क्या कहते हैं, रणघोष, तो रणघोष फायरे, फायरे क्या है, भीलों का रणघोष है, फायरे, 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 फायरे क्या है, भीलों का रणघोष है। ये भी आप समझोगे नहीं कि रणघोष का मतलब क्या होता है, भील लोग जब युद्ध के लिए एक जगह इकट्ठा होना होता है तो ये किस शब्द का उद्घोष करते हैं, फायरे, फायरे शब्द का उद्घोष करते हैं भील लोग, ठीक है। तो दोस्तों इसका फायरे, फायरे क्या है, भीलों का रणघोष, मतलब भीलों को युद्ध के लिए एक जगह एकत्रित होता है तो ये जोर जोर से फायरे, फायरे शब्द का क्या करते हैं, उच्चारण करने का काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं चीमाता, चीमाता क्या है और दजिया क्या है, तो चीमाता तो पहाड़ी क्षेत्रों में जलाकर की जाने वाली कृषि को तो क्या कहते हैं, भीलों में चीमाता कहते हैं, और मैदानी क्षेत्रों पे की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, मैदानी क्षेत्रों में जलाकर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, चीमाता, दजिया कहते हैं। तो लिखो दोस्तों, एक तो चीमाता, चीमाता स्थानांतरित कृषि के लिए क्या है, प्रकार है, चीमाता क्या है, चीमाता है पहाड़ी, पहाड़ी क्षेत्रों में जलाकर, वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि। तो लिखो दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, क्षेत्रों में वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि, वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि, की जाने वाली कृषि, ठीक है दोस्तों। आगे और हम बात करते हैं दजिया, दजिया कई बार पूछा हुआ है, ये मीणा जनजाति में स्थानांतरित कृषि के क्या है, प्रकार है, मैदानी क्षेत्रों में, लिखो दोस्तों, मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, में वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि, वनों को जलाकर, जलाकर की जाने वाली कृषि, की जाने वाली कृषि, मैदानी क्षेत्रों में वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, दजिया कहते हैं। तो चीमाता और दजिया समझ में आ गया, चीमाता तो होता है क्या, क्या पहाड़ी क्षेत्रों में वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि, और दजिया होता है मैदानी क्षेत्रों में भील लोगों द्वारा जलाकर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं। ये कृषि के प्रकार बताए गए हैं, स्थानांतरित कृषि के क्या है, ये प्रकार है। आगे बात करते हैं गोदना, शरीर
पर चित्र बनाना क्या है? भील जनजाति में गोदना एक परंपरा है। तो गोदना क्या है आपसे पूछा जाएगा, गोदना क्या है? गोदना तो क्या है? गोदना में क्या किया जाता है? शरीर पर चित्र बनाना। क्या किया जाता है? शरीर पर चित्र बनाना। इसे हम हमारी भाषा में, आम भाषा में क्या बोलते हैं? टैटू इसे बोला जाता है। उसे ही क्या बोला जाता है? गोदना बोला जाता है। किस जनजाति में? भील जनजाति में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। खयातू, कमर में बांधे जाने वाला कपड़ा पुरुषों के द्वारा। खयातू क्या है आपसे पूछा जाएगा ये दोस्तों, कई बार ये नाम पूछे जाते हैं। खयातू तो लिखो दोस्तों, पुरुषों द्वारा कमर में बांधे जाने वाली धोती। पुरुषों द्वारा कमर में बांधे जाने वाली धोती को क्या कहते हैं? खयातू कहते हैं। तो खयातू क्या है? पुरुषों द्वारा कमर में बांधे जाने वाली धोती को क्या कहा जाता है दोस्तों? खयातू कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। डेपाड़ा, तंग या धोती को ही क्या कहते हैं? डेपाड़ा। भील लोगों में, पुरुषों में क्या कहते हैं? तंग या धोती को डेपाड़ा या ढेपाड़ा। ढेपाड़ा, ढेपाड़ा किसे कहा जाता है? तंग या धोती को कहा जाता है, ढेपाड़ा। इसमें भील लोगों में तंग धोती को और ये कौन मानता है? पुरुष मानता है इसे, पुरुष। तो डेपाड़ा आपसे पूछ लिया जाए तो किसे कहते हैं? तंग या धोती को कहते हैं डेपाड़ा। इसमें बांधने का काम कौन करता है? पुरुष करता है। ठीक है दोस्तों, आगे पूछा जाता है। कछाबू, भील स्त्रियों द्वारा घुटने तक का क्या होता है? घाघरा। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कछाबू क्या है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है कछाबू। ये भी लिखो दोस्तों, ये मोस्ट तरह की कछाबू, भील स्त्रियों का घुटने तक का घाघरा। लिखो दोस्तों, भील स्त्रियों का घुटने तक का घाघरा, घुटने तक का घाघरा। भील जो स्त्रियां होती है उसके घुटने तक के घाघरे को क्या कहा जाता है? कछाबू कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ओढ़नी कौन सी है? भील जनजाति के लोगों द्वारा कौन सी ओढ़नी ओढ़ी जाती है? महिलाओं द्वारा ओढ़नी। ओढ़नी आपसे पूछ ली जाए, ओढ़नी तो ओढ़नी के प्रकार कौन से है? एक तो केरी भात की ओढ़नी, और एक कौन सी ओढ़नी? तारा भात की ओढ़नी, और एक ज्वार भात की ओढ़नी। तो लिखो दोस्तों, ओढ़नी एक तो तारा भात, ज्वार भात और एक कौन सी? केरी भात की ओढ़नी। तो आपसे ओढ़नियों के प्रकार में भी पूछा जाता है कि तारा भात है ओढ़नी का प्रकार है, और कौन सी जनजाति में ओढ़ी जाती है? तो भील जनजाति में ओढ़नियों के कौन कौन से प्रकार है? तारा भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी और केरी भात की ओढ़नी भील महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। महुआ पवित्र वृक्ष होता है, इससे क्या करते हैं? ये लोग शराब बनाने का काम करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि महुआ क्या है? महुआ भील जनजाति का क्या है? पवित्र वृक्ष है, पवित्र वृक्ष है, और इससे क्या करते हैं? शराब बनाने का काम करते हैं। पुस्तक में लिख लो, शराब बनाने का काम करते हैं। शराब बनाने का काम किससे करते हैं? ये महुआ जो वृक्ष होता है, भीलों का सबसे पवित्र वृक्ष इसे माना जाता है, इसमें ये क्या करते हैं? शराब निर्माण करने का काम करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम चर्चा इसके बारे में चर्चा कर ली है अभी तक, इसके बारे में हम सविस्तार पूर्वक वापस से एक बार रिविजन करते हैं। भील जनजाति की प्रमुख जो विशेषताएं थी उसके बारे में हमने सविस्तार पूर्वक चर्चाएं कर ली है। अब हम एक बार इसका फिर से रिविजन करेंगे कि भील जनजाति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में हम चर्चाएं करते हैं।
तो भील जो जनजाति के घरों को क्या कहते हैं? ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, भील जनजाति के घरों को क्या कहते हैं? कू या टापरा भील जनजाति के घरों को कहा जाता है। और बात करते हैं घरों के जो समूह होते हैं, भील जनजाति के लोगों के घरों के समूह को कहते हैं फला। और जो भील जनजाति के बड़े गाँव को क्या कहते हैं? बड़े गाँव को पूछ लिया जाए तो बड़े गाँव को कहते हैं पाल। तो ये तीनों ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, घर को क्या कहते हैं? कुए टापरा। और घरों के समूह को क्या कहते हैं? तो फला कहते हैं। और गांव, बड़े गांव को क्या कहते हैं? भील जनजाति में बड़े गांव को क्या कहते हैं? पला कहते हैं या पाल कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़े गांव को क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं भील जनजाति के मुखिया को। ये मुखिया सभी जनजाति में आपको पढ़ाऊंगा, उसके मुखिया के तो आपको क्वेश्चन याद रखने जरूरी है। शहरी जनजाति के मुखिया को तो क्या पता कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? पाल भी कहते हैं। और गांव के जो समूह होते हैं उसके मुखिया को क्या कहते हैं? गोमेती कहते हैं। तो भील जनजाति में गांव के समूह के मुखिया को क्या कहते हैं? आपसे पूछ लिया जाए तो गोमेती कहते हैं। गोमेती भीलों के लोक देवी पूछी जाए तो भीलों की देवी कौन सी है? बराड़ी माता है। बराड़ी माता का चित्रण कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर दीवार के ऊपर बराड़ी जो इसकी देवी है इनका क्या किया जाता है? चित्रण किया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए भीलों के लोक देवता कौन से हैं, कि भीलों के देवता आपसे पूछ लिया जाए तो भीलों के लोक देवता है टोटम जी। कौन है टोटम जी? भीलों के क्या है? लोक देवता है। आगे बात करते हैं भीलों का जो रणघोष है उसे क्या किस नाम से जाना जाता है? तो भीलों का रणघोष है फायरे फायरे। भीलों का क्या है? रणघोष है। जब भील लोगों पे किसी युद्ध की आपत्ति आ जाती है तब ये लोग युद्ध स्थल में एक जगह एकत्रित होने के लिए फायरे फायरे जो शब्द है उसका क्या करते हैं? रणघोष करते हैं। जिससे क्या होते हैं? भील जितने भी लोग हैं वो सभी एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं ची माता क्या है। पहाड़ी क्षेत्रों में वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि को भील लोगों द्वारा क्या कहते हैं? ची माता कहते हैं। और मैदानी क्षेत्रों में जलाकर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? दजिया कहा जाता है। ठीक है, भील जनजाति में गोदना गुदवाने की क्या परंपरा है? गोदना गुदवाने का मतलब होता है शरीर पर किसी की आकृति या नाम आदि का चित्रण करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं खयातु क्या है। भील पुरुषों द्वारा कमर में बांधने जाने वाला कपड़ा या धोती को क्या कहते हैं? खयातु कहते हैं। आगे पूछा जाता है डेपाड़ा क्या है। भील पुरुषों द्वारा बांधे जाने वाली तंग या धोती, भील पुरुषों द्वारा बांधे जाने वाली तंग या धोती को क्या कहते हैं? डेपाड़ा कहते हैं। आगे बात करते हैं कछापू क्या है। तो कछापू क्या है? भील स्त्रियों द्वारा घुटने तक पहनने जाने वाले घाघरे को क्या कहते हैं? कछापू कहते हैं। ये क्वेश्चन तो सेकंड ग्रेड में भी आया अभी हाल ही में और रीट में भी आया था। ये क्वेश्चन आता ही रहता है, कई बार आता है जनजातियों में। क्या कछापू क्या है? तो भील स्त्रियों द्वारा घुटने तक का क्या होता है? घाघरा जो होता है उसे क्या कहते हैं? कछापू कहते हैं। भील जो स्त्रियां होती हैं वो कितने प्रकार की ओढ़नी ओढ़ती हैं? देखो दोस्तों, तारावात की ओढ़नी, जवारवात की ओढ़नी और गेरीवात की ओढ़नी। ओढ़ने का काम कौन करती है? भील स्त्रियां करती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं महुआ। महुआ क्या है? भीलों का सबसे पवित्र वृक्ष पूछ लिया जाए तो भीलों का सबसे पवित्र वृक्ष है महुआ। और महुआ से ये लोग क्या करते हैं? महुआ से शराब निर्माण करने का काम करते हैं। तो भीलों का सबसे पवित्र वृक्ष भी आपको पूछ लिया जाए तो कौन सा है? महुआ है। और इससे क्या करते हैं? शराब निर्माण करने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी भील जो जनजाति थी उसके बारे में हमने सविस्तार पूर्वक चर्चाएं कर ली है। अब आगे हम एक राजस्थान की जो जनजाति पढ़ेंगे, ग्रासिया जनजाति। राजस्थान की क्या बताई थी मैंने? तीसरी सबसे बड़ी जनजाति बताई थी। इसके बारे में लिख लिया आपने, यह राजस्थान की कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और यह राजस्थान की मीणा जो भील जनजाति है, यह राजस्थान की क्या है? सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा था? वन पुत्र के नाम से इन्हें कहा था। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपको भीलों के बारे में हमने सविस्तार पूर्वक चर्चाएं कर ली है। बचे हुए टॉपिक है वो अगली कक्षा में हम चर्चाएं करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों यदि आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम अगली कक्षा में और इससे सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद।